बिग बॉस सीजन 18 में आयशा सिंह के जाने से पहले ऐश्वर्या शर्मा को हुई भी बड़ी जलन। आयशा सिंह के नाम पर हुई ऐश्वर्या जेलस, तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में शो का कोल्ड वॉर, गुम है किसी के प्यार में शो से ऐश्वर्या शर्मा आयशा सिंह भले ही कई सालों पहले ही शो को छोड़ चुकी हैं, लेकिन आज भी ऐश्वर्या शर्मा फूटे आँख नहीं सुहाती हैं आयशा सिंह को। आयशा सिंह को कतई पसंद नहीं करती हैं। बिग बॉस में जाने को लेकर जहाँ पर एक तरफ तो नील भट्ट ने काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाया है कि आयशा सिंह को ज़रूर शो को ज्वाइन करना चाहिए, तो दूसरी तरफ ये है वो तीन बड़ी वजह जिसके चलते ऐश्वर्या शर्मा फील सो जेलस फ्रॉम आयशा सिंह। और इसका सबसे मेन रीज़न है नील भट्ट के साथ ऐश्वर्या शर्मा की बॉन्डिंग, नील भट्ट के साथ ऐश्वर्या शर्मा का शादी करना। दरअसल गुम है किसी के प्यार में जब शुरुआत हुआ था तब तो ऐश्वर्या, नील और आयशा सभी के सभी एक को एक्टर थे, लेकिन जो बॉन्डिंग बनी सेट पर ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट की, उसके बाद से ही सबने देखा है कि ऐश्वर्या शर्मा हमेशा से आयशा सिंह से जेलस फील करती हैं। उन्होंने हमेशा ही कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी दिखाई है अपने हस्बैंड को लेकर, और यही वो बड़ी वजह है कि आयशा सिंह का नाम बिना लिए कभी भी ऐश्वर्या शर्मा उनको टोंट मारने में कभी पीछे नहीं हटती हैं। दूसरा ये सबसे मेजर रीज़न है कि बिग बॉस के नाम से बौखला गई ऐश्वर्या शर्मा। ऐश्वर्या से पूछा गया कि क्या वाकई में आपकी अच्छी दोस्त या फिर आपकी को एक्टर अगर बिग बॉस में जाती हैं तो आपका क्या रिएक्शन होगा आयशा सिंह का बिना नाम लिए। ऐश्वर्या शर्मा ने साफ कहा कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, वो को एक्टर थे, उनकी जर्नी वहाँ पर ख़त्म हो गई है, अब वो जाते हैं नहीं जाते हैं ये उनका पर्सनल ओपिनियन है। दरअसल बिग बॉस में आयशा सिंह को ऑफर किया गया है बिग बॉस सीज़न 18 के लिए, और कुछ हद तक ये भी माना जा रहा है कि आयशा सिंह ज़रूर इस बार के सीज़न में जाएंगी। आयशा सिंह के बिग बॉस सीज़न 17 को रिजेक्ट करने का सबसे मेजर रीज़न था ऐश्वर्या शर्मा का उस शो में होना। जैसा कि आपको पता है कि ऐश्वर्या शर्मा जहाँ होंगी वहाँ आयशा सिंह जाती हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर झगड़े होंगे, वहाँ पर कोल्ड वॉर होगा। तीसरा ये मेजर रीज़न है जिसके चलते ऐश्वर्या शर्मा बौखला जाती हैं आयशा के नाम से, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि गुम है किसी के प्यार में शो के सेट पर लोगों ने कई मर्तबा देखा कि ऐश्वर्या शर्मा और आयशा सिंह के बीच में कई बार कोल्ड वॉर हुई, कई बार कैट फाइट हुई, जिसके चलते ऐश्वर्या शर्मा जो है वो हमेशा से आयशा सिंह से जेलस फील करती हैं। और यही वो बड़ी वजह है कि ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट जब भी शो में गए थे तो आयशा सिंह ने उनको प्रेज किया था, उनके लिए गुड लक विश किया था, लेकिन अब जब आयशा सिंह की बातें सामने आ रही हैं ऐश्वर्या शर्मा आज भी उसी गुस्से में है, आज भी उसी जेलसी फील करती हैं। फिलहाल के लिए आप बताना कमेंट बॉक्स में, क्या आपको लगता है कि ऐश्वर्या शर्मा को या नील भट्ट को इग्नोर करके आयशा सिंह को बिग बॉस सीजन 18 का हिस्सा बनना चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।